कितना सुंदर लग रहा है ये. ओनली 400 rupees. दिस इज परफॉर्मिंग लाइक अ हाई एंड हाइलाइटर. ब्लेंड्स नाइसली. देयर इज नो फॉल आउट. ओनली फॉर फ्रिकिंग 57 rupees. नेह, आई डोंट लाइक इट. Hi everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट और ट्राई करने वाले हैं चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम नायका. दिस इज गोना बी फुल फेस ऑफ मेकअप. आई गॉट ऑल ऑफ दिस मेकअप प्रोडक्ट्स अंडर 2,800 rupees. एंड जस्ट टू कम्पेयर द प्राइसिंग, आई हैव माई रेयर ब्यूटी का ब्लश विथ मी. इसका कॉस्ट है 2,900 rupees. सो एक ब्लश 2,900 rupees का इंडिया में मिल रहा है वर्सेस ऑल ऑफ दिस प्रोडक्ट. ऑल्सो दिस इज नॉट अ फेयर कंपेरिजन, बट आई वॉन्ट टू शो यू की क्वान्टिटी में कितना फर्क पड़ जाता है जब आप मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हो. सेम पैसों में आपको ये और ये दोनों मिल रहे हैं. सो माय क्लिप्स आर ऑन, लेट्स स्टार्ट विद फेस प्राइमर. आई हैव L18 एज बेस फेस प्राइमर विद विटामिन ई. इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 125 rupees. अभी ये 106 rupees में मिल रहा है नायका में. दिस जेल प्राइमर हैज अ क्लियर कंसिस्टेंसी. इट डज नॉट हैव एनी स्मेल टू इट. मैंने काफी ज्यादा निकाल लिया है. एंड आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद माय टी जोन. ओके, स्लिपरी है काफी. ब्लेंड तो काफी अच्छे से हो जा रहा है ये. एंड नो, दिस इज नॉट अ पोर फिलिंग प्राइमर, क्योंकि पोर्स मेरे यहाँ पे काफी विजिबल है. इट्स मोर लाइक अ हाइड्रेटिंग प्राइमर. प्रॉब्ली दिस इज गोना हेल्प विद द बेस, ताकि अच्छे से बेस बैठे मेरे फेस पे. इसके लिए हम बेस लगाएंगे. एंड नेक्स्ट आई एम गोना मेक कलर करेक्टिंग, विच इज अ पार्ट ऑफ माई बेस रूटीन. आई गॉट इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ऑरेंज कलर करेक्टर. दिस इज इन द शेड NC6 टैंगी ऑरेंज. द प्राइस ऑफ दिस इज 120 rupees. अभी 5% ऑफ में भी है नायका में. फील्स एक्सट्रीमली क्रीमी टू टच. Applying that around my lips like that. I'm going to blend it. Ooh, this is pigmented and how? अच्छे से blend हो जा रहा है ये. Yes, actually primer भी help कर रहा है इसको spread होने में. And done, काफी अच्छे से color correct हो गया. Pigmentation अच्छा लग रहा है मुझे इसका. Hydrating है इसका formula. I like you. This is a good product. Moving on to concealer. For that, I have again Inside Cosmetics concealer in the shade NC4 warm yellow. Again, इसकी price है 120 rupees. 5% off में available है ये नायका में. Formula इसका भी काफी creamy, color corrector जैसा ये. I wanna see whether this will match me or not. Under eyes पे ना इसे dab dab करके apply कर रही हूँ. Application तो सही लग रहा है इसका मुझे. देखते हैं ये वाले एक्ने मार्क को कवर करता है कि नहीं ये. Nice. Blend भी अच्छे से हो जा रहा है. Ooh, lovely. Gonna use my concealer brush to blend it. Wow, it is blending so well. And dab 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 done. अब शेड की बात करो तो एक टोन लाइट लग रहा है मेरे स्किन पे. But the formula is too good, you guys. And this is a buildable coverage formula, I feel. Here's a close-up shot for you. Coverage भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे इसका. Moving on to foundation, I have Miss Clear Professional Stick Foundation. Now this is not the cheapest foundation Nykaa has to offer. सबसे cheap foundation that I can see is Biotique L18 Blue Heavens. The reason I picked this because इसका shade range काफी बड़ा था और बाकी सबके shades देख के लग रहा था कि वो तो कुछ भी मुझे मैच नहीं करने वाला. ये स्टिक फाउंडेशन 11 शेड्स में अवेलेबल है. आई गॉट द शेड FS40. अभी ऑफर चल रहा है 35% ऑफ. लेट्स अप्लाई दिस. That was a smooth application. Blend करके देखूंगी कि मैच हो रहा है कि नहीं अच्छे से. But it has a very strong talcum का smell to it. So yes, this foundation contains porous powder. एकदम बॉडी टेलकम टेलकम स्मेल हो रहा है. ब्लेंड्स नाइसली. नाइस, आई लाइक दैट. दिस फाउंडेशन फील्स वेरी लाइट वेट ऑन द स्किन एज वेल. सिट्स वेल ऑल्सो. इट्स नॉट सेपरेटिंग. सो दिस इज जस्ट वन लेयर ऑफ फाउंडेशन. एंड येस, दिस इज नॉट अ राइट शेड फॉर मी. आई फील लाइक एक शेड डार्क होता ना तो और सही लगता मेरे स्किन पे. बट द फॉर्मुला लुक्स क्वाइट फ्लॉलेस ऑन माई स्किन. लेट मी डू अ स्वॉच हियर. फिर हम लोग फ्रेश स्वॉच करेंगे यहाँ पे. देखेंगे कि ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं. द टैल्कम स्मेल आई एम नॉट लाइकिंग एट ऑल. इट्स रियली रियली बॉदरिंग मी. मूविंग ऑन टू क्रीम ब्लश. दिस इज बाय इनसाइड कॉस्मेटिक्स. आई गॉट द शेड 02 रास्पबेरी जिलेटो. दिस इज अवेलेबल इन 6 डिफरेंट शेड्स एंड द प्राइस इज ओनली 90 rupees. अभी उसमें भी 5% ऑफ कर दिया उन्होंने. 86 rupees का ये मिल रहा है. द टेक्सचर इज क्वाइट क्रीमी फॉर दिस. इट लुक्स लाइक दिस इज गोइंग टू बी हाईली पिगमेंटेड. So, यहाँ पे few dots apply कर दिए मैंने. Then I wanna see how this blends with fingers. Ooh, blending so nicely. कितना सुंदर लग रहा है ये. How pretty this blush is. I'm really liking this and this blush has not moved my foundation also, which is a good sign. And this has a really nice raspberry fruity smell to it. It's only for 90 rupees. I can't believe this. Wow. Next up, Inside Cosmetics ka cream highlighter. This is in the shade 06 Cosmic Power. This is a very popular shade already. Kafi viral ho raha hai ye. Highlighter is also available in 6 different shades. Iska price hai 120 rupees. Abhi 5% off mein hai ye Nykaa mein. So pick kar diya highlighter. मैंने, आई विल बी अप्लाइंग दिस राइट हियर.
on the highest point of my face and let's blend. Oh, whoa, so pretty. This highlighter is blendable. It sits well on the skin. It's giving that within glow. It does not have any chunky glittery particle to it. This is performing like a high-end highlighter. Wow. I'll be using Insight Cosmetics Duo 2-in-1 Stick Contour. जिसमें एक साइड में कॉन्टोर प्रोडक्ट आता है और दूसरे साइड में हाइलाइटर आता है. जो हाइलाइटर हम लोग ने अप्लाई किया इट्स लाइक अ रोज गोल्ड हाइलाइटर एंड दिस वन इज अ गोल्डन हाइलाइटर. लेट मी जस्ट ट्राई टू ब्लेंड दिस. ओ ब्लेंड्स नाइसली एज वेल. द प्राइस ऑफ दिस इज 245 rupees. आई गॉट दिस फॉर 220 rupees ऑन नायका. सो आई एम नॉट अ क्रीम कॉन्टोर गर्ल बट आई एम गोना ट्राई दिस फॉर यू गाइस. दैट्स पिगमेंटेड. अप्लाइंग इट राइट हियर एज वेल. नोज पे डॉट डॉट करके लिटिल बिट ऑन द फोरहेड एरिया ऑन माई जॉ लाइन एज वेल. देन यूजिंग माई contour brush. It's a freshly washed brush. I will blend it. It's blending nicely on my skin. Wow, that looks good on my skin, you guys. और अब आप लोग लेयर देख सकते हो. contour blush highlight. jawline को blend करते हैं. Nice. It's blending nicely. I'm impressed. अब contour करने से ये भी हो जाएगा जो foundation match नहीं हो रहा था वो मैच हो जाएगा हल्का सा बिकॉज दिस इज गोना ब्रिंग सम वार्म्थ टू माय फेस. फोरहेड पे भी ब्लेंड कर दिया है. गोना पिंच माय ब्रश एंड गोना ब्लेंड माय नोज एज वेल. मुझे लग रहा है काफी ज्यादा अप्लाई कर दिया. ओ नहीं नहीं किया. इट लुक्स पिगमेंटेड बट वंस इट ब्लेंड्स ना ये बिल्कुल हार्श नहीं लगता है स्किन पे. इट्स अ गुड प्रोडक्ट यू गाइज. आई एम रियली लाइकिंग दिस एंड यू आर गेटिंग अ हाइलाइटर स्टिक एंड अ कॉन्टोर स्टिक एज वेल. एंड नाउ इट्स टाइम टू सेट माई फेस. फॉर दैट आई हैव टू प्रोडक्ट्स विद मी. दिस इज अ कॉम्पैक्ट पाउडर एंड दिस इज अ loose powder. First, I'm going to use a loose powder. This is by Pond's. So this is the natural glow pink powder in pink glow. इसका एक और shade आता है जो कि yellow undertone का है. I wanted to try the pink powder because काफी viral चल रहा है pink powder हर कहीं. The price of this is 125 rupees. It's currently on 12% off on Nykaa. Oof. The powder has a very strong floral smell to it. I want to see whether this one has talcum or not. Yes, this one has talcum in it. Oof, that's strong. Puff भी आता है, but वो मुझे भी मिल नहीं रहा है. So I'm gonna take my own powder puff. I'm gonna remove the excess. That looks white. Avoiding any crease line under my eyes. And let's just set the under eye area. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई pink hue मिलेगा हम लोग को. What is up with this powder? Nah, I don't like it, guys. No. It's not for me. मेरी पाउडर ने सेट तो किया मेरी अंडर आईज को बट इट इज गिविंग दैट वाइटनेस अंडर माई आईज एंड इट हैज टैल्क इन इट विच इज अनदर प्रॉब्लम फॉर मी. आई एम नॉट लाइकिंग दैट फैक्ट ऑल्सो. इस अंडर आई पे एलेडिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करते हैं. दिस कम्स इन 4 डिफरेंट शेड्स. द प्राइस इज 110 rupees. अभी 5% ऑफ में नायका में. दिस काइंड ऑफ पाउडर पफ नेवर वर्क्स फॉर मी सो आई एम नॉट गोना यूज दैट. सो आई गॉट द शेड 04 कोरल विच इज अ डार्केस्ट शेड दैट दे हैव. और इसको देख के भी लग रहा है दिस इज गोना बी वे वाइट फॉर मी. अंडर आईज पे क्रीज लाइनिंग को हटा दिया मैंने एंड नाउ सेटिंग इट. आई मीन क्या है ये टिंटेड कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ पता है यही दिक्कत है. ठीक है क्योंकि उनका काम सेट तो करना है साथ साथ कलर भी देना है एंड द शेड मैच इज नॉट राइट. चलो फॉर्मूला की बात करते हैं. कंपैरेटिवली दिस साइड इज लुकिंग बेटर देन दिस साइड. दोनों पाउडर ही मुझे इतने पसंद नहीं आए टू बी वेरी ऑनेस्ट यू गाइज. बट लेट जस्ट कार्व माई कॉन्टोर ऑल्सो विद दिस कटिंग अराउंड माई लिप्स एंड माई टी जोन एरिया. शेड वाइज ना मुझे ये लूज पाउडर पसंद आया ना ये कॉम्पैक्ट पाउडर. आई विश इसकी ज्यादा शेड्स होते तो शायद मुझे ये ठीक ठाक लगता भी. मूविंग ऑन टू आईब्रोज. आई हैव मैट लुक का आईब्रो पेंसिल. दिस इज अवेलेबल इन 3 शेड्स. आई गॉट द शेड डार्क ब्राउन. द प्राइस ऑफ दिस इज 55 rupees. इससे सस्ता मास कॉस्मेटिक्स का भी अवेलेबल है विच इज 49 rupees ओनली. जो स्पूली आया ना उसी से कोम कर रही हूँ अपने आईब्रोज को. एकदम हल्के हल्के स्ट्रोक से मैं फिल कर रही हूँ. सो मैंने ना ऑफ कैमरा इस आईब्रो पेंसिल को टेस्ट किया था. जो भी स्वाचेस प्रोडक्ट शॉट आपने देखे वो नेचुरल लाइट में फिल्म किया गया है. एंड आई टेस्टेड दिस आईब्रो आउट कि ये स्मच प्रूफ है कि नहीं. एंड नो दिस इज नॉट स्मच प्रूफ एंड दिस इज हाईली पिगमेंटेड. सो बहुत ही लाइट स्ट्रोक से मैं फिल कर रही हूँ अपने आईब्रोज को. बट अच्छे से फिल हो जा रहे हैं मेरे आईब्रोज. पिगमेंट काफी अच्छा है इस आईब्रो पेंसिल का. एंड लेट जस्ट कॉम थ्रू माई आईब्रोज वंस अगेन आफ्टर फिलिंग. आई एम लाइकिंग दिस फॉर 55 rupees. वट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट. अगर ये स्मच प्रूफ होता तो और मजा आ जाता सही में. नेक्स्ट आई हैव इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्राइम एंड होल्ड आई primer. I don't own an eye primer. This is my first ever eye primer and the price of this is 145 rupees. So the purpose of eye primer is just like face primer. Isme koi pigment nahi by the way. Uska kaam ye hota hai ki aapki eyes ko prepare karega eye shadows ke liye. Eye shadows long lasting rahenge, acche se baithenge. Koi bhi fine line rahega usko set kar dega, oily eyelid ko hata dega, set kar dega basically aapke eyes ko. Mujhe itne fine lines nahi to usko leke to main kuch bol nahi
सकती, बट हाँ मेरी ऑयली आईलिड है और ये वाली आई वर्सेस ये वाली आई आप लोग देख सकते हो. दिस वन लुक्स मच बेटर एंड हल्का सा ना टैकीनेस मुझे दिख रहा है इसमें. आई थिंक दिस इज गोना हेल्प टू ग्रैब एंड होल्ड द प्रोडक्ट दैट वी आर गोना अप्लाई. अब तो आई शेडो अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा कि ये आई प्राइमर कैसा है. मूविंग ऑन टू आई शेडो, आई गॉट ग्लैम 21 का लिटिल वन आई शेडो पैलेट इन द शेड 04. इट्स अ क्वाड पैलेट, सो इसमें दो मैट शेड मिल जाते हैं, दो शिमर शेड्स मिल जाते हैं आपको. इससे सस्ते ना सिंगल आई शेडो पैलेट्स भी अवेलेबल थे, बट आई फेल लाइक टू क्रिएट अ आई लुक आई नीड मोर कलर्स एंड क्वालिटी एक्चुअली लुक्स प्रीटी गुड यू गाइस. सो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद दिस शेड एज माय ट्रांजिशन शेड. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माय क्रीज. Oh nice, the pigment is really nice and the eyeshadow is blending also very nicely on my eyelid. Whoa. And I must tell you, primer ki wajah se na eyelid ekdam soft si feel ho rahi hai aur acche se glide ho ja raha hai mera brush bhi. Next, picking this darker color, okay, tapping off the excess. I'm going to apply this on the outer half of my eyelid right here. Look at that pigment, this is impressive. And you know what guys, there is no fallout. Wow. Next, I'm going to be picking this shimmer shade in my ring finger. This looks so pretty. And going to apply this on the center. Okay, itne acche se to apply nahi ho raha hai, but the pigment is there. Look at this color. The color is good, but application was not like smooth. It was not gliding smoothly. Let me pick this gold color as well and apply that in here towards the inner corner. Okay, this gold one is much smoother than that color. गोल्ड और पिंक को मिक्स करके गोल्डन पिंक टाइप का आई शेडो लुक क्रिएट कर दिया है. गोइंग टू पिक दिस शेड इन माई पेंसिल ब्रश. आई फील लाइक 4 out of 3 शेड्स परफॉर्म्ड रियली वेल फॉर दिस आई शेडो पैलेट. और मैं नायका में देख पा रही हूँ इस आई शेडो पैलेट के 7 डिफरेंट शेड्स अवेलेबल है. 199 इसका ओरिजिनल प्राइस है. दिस कुड बी अ रियली गुड ग्लैम पैलेट और एवरीडे आई शेडो पैलेट ऑल्सो. यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस फॉर ग्लैम आईज और यू कैन जस्ट यूज दिस शेड और दिस शेड टू क्रिएट एवरीडे आई शेडो लुक्स. आई डोंट वांट टू कट ऑल द पॉइंट्स. इट्स अ डीसेंट पैलेट, देयर वाज नो फॉल आउट व्हिच इज अ प्लस पॉइंट. फॉर आईलाइनर I have Blue Heaven's Get Bold Eyeliner in Black Diamond. This is priced at ₹65 और मैंने इसको ₹59 में खरीदा क्योंकि 10% ऑफ चल रहा है. ये आईलाइनर लैक्मे वाले आईलाइनर जैसा ही है. It does not have a stiff tip, but anywho, let's just apply this. I'm going to create a very small wing. Again, I also tested this eyeliner out whether this is waterproof or smudge proof or not. So smudge proof तो ये है, but this eyeliner is water resistant but not waterproof. और इसका application भी काफी smooth है, pigmentation भी काफी अच्छा है. For ₹65, this is a decent eyeliner. But अगर ये waterproof होता तो मजा आता. मैं इसको full points देती because I have extremely oily eyelid and most of us like to apply waterproof or more or so water resistant, like a good quality water resistant eyeliner. Next up, kajal. This is by Miss Claire. This is the one stroke kajal in super black. This is for ₹95 और currently ये 40% off में ₹57 का ये kajal. This is retractable also. And before I apply this, let me tell you, I have tested this already. This is smudge proof, waterproof और काफी अच्छा pigment है इसका. इसमें आपको इसको थोड़ा सा settle होने के लिए देना है time. मैं अपनी lower lash line पे इसको apply कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हो कितना सही pigment है इसका. पर lash line को भी tight line कर रही हूँ. Get your hands on this kajal, you guys. आप इसको as a eyeliner भी apply कर सकते हो क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया टेस्टेड है ये स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ है. ओनली फॉर फ्रिकिंग ₹57 आफ्टर 40% ऑफ ऑब्वियसली. फॉर मस्कारा आई हैव इनसाइड कॉस्मेटिक्स मस्कारा. दिस इज फॉर ₹135. दिस इज सस्ता मस्कारा भी अवेलेबल है ब्लू हेवेंस का विच इज ₹59 का. बट मुझे इसकी पैकेजिंग काफी कूल लगी इसलिए मैंने ये वाला लिया है. वॉन्ड इसका काफी मोटू मोटू सा लग रहा है. आई एम गोना विगल थ्रू माई आई लैशेज कपल ऑफ टाइम्स. ओके, इट्स कोटिंग माई आई लैशेज. इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग वॉल्यूम वाइज, इट्स मोर लाइक कोटिंग माई लैशेज. It also comes with this interesting brush which can be used to separate your eyelashes agar clumpy ho gaye aapke eyelashes to. But if I will compare my eyelashes na, you can't see lot of difference. Aur website mein unhone bol ke rakha hai ki ye to waterproof hai, voluminizing hai, smudge proof hai. Well, voluminizing to ye nahi hai guys. I mean, mascara has coated my eyelashes. Apart from that, itna kuch khas mujhe ye laga nahi. Next hum apply karenge false eyelashes. This is Bronson Professional Eyelashes in M75. इसका ओरिजिनल प्राइस है बट करेंटली इट्स ऑन 60% ऑफ. आई गॉट दिस फॉर ₹60 ओनली. ये नेचुरल आईलैशेस नहीं है, ये ड्रामेटिक लुक देगा हमारे आई लुक को. क्वालिटी वाइज लैशेस अच्छे दिख रहे हैं. मैं अपना वाला लैश ग्लू यूज कर रही हूँ. मैंने कोई सस्ता लैश ग्लू खरीदा नहीं. दिस इज बाय पैक दैट आई एम यूजिंग एंड लैशेस आर
ऑन भाई साहब, ये तो बहुत ही ड्रामेटिक लैशेस हैं। दे डू फील हैवी, इट्स बिकॉज ऑफ द लैश बैंड, काफी थिक लैश बैंड है इसका, बट नॉट बैड फॉर ग्लैम लुक एंड पार्टी लुक्स फॉर 60 rupees ओनली गाइज। मूविंग ऑन टू सेटिंग माय फेस, फॉर दैट आई विल बी यूजिंग ब्लू हेवन्स मेकअप फिक्सर। द प्राइस ऑफ दिस इज 190 rupees, कैंटली दिस इज ऑन 25% ऑफ, आई गॉट दिस फॉर 143 rupees। सो इट सेज इट्स गोना गिव यू ड्यूई ग्लो लुक। आई डोंट लाइक द स्प्रे ऑफ दिस, कैन यू सी, छोटे छोटे बूंदे आ गए मेरे फेस पे। द पंप इज क्वाइट हार्ड, इट्स नॉट सॉफ्ट, इट स्मेल्स लाइक अल्कोहल। इतने हार्श तरीके से स्प्रे हुआ है यहाँ पे भी। ऐसे हार्श पंप्स जब स्प्रे होते हैं ना, आप बस प्रेस कर दो अपने फेस पे उसको यूजिंग सम मेकअप स्पॉन्ज। सो अगर पंप को और अल्कोहल स्मेल को, जो कि अब जा चुकी है, उसको साइड रख दूँ, तो इट्स अ डिसेंट सेटिंग स्प्रे। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग लास्टिंग दिस इज गोना मेक माय मेकअप। बिफोर आई मूव ऑन टू लिपस्टिक, आई वांट टू स्वॉच दिस फाउंडेशन दैट आई स्वॉच्ड अर्लियर। सो आई एम गोना डू अ फ्रेश स्वॉच। ये हमने पहले स्वॉच किया था, दिस इज अ रीसेंट स्वॉच। देयर इज नॉट अ लॉट डिफरेंस, अगर ऑक्सीडाइज हुआ भी है तो बहुत ही माइन्यूट सा। फॉर लिपस्टिक आई हैव 3 लिपस्टिक्स फॉर यू। फर्स्ट आई हैव अ बुलेट लिपस्टिक, दिस इज ब्लू हेवन्स इंटेंस मैट लिपस्टिक इन द शेड चॉकलेट स्वर्ल। ओके, ग्लाइड स्मूथली, फॉर्मुला ऑल्सो फील्स कंफर्टेबल ऑन द लिप्स, इट हैज अ क्रेयॉन लाइक स्मेल टू इट। द कलर दो, the color is so pretty you guys. This lipstick is for 100 rupees, 35% off chal raha hai abhi, 65 rupees mein mujhe ye mila. I've given this couple of seconds to dry. डेफिनेटली ट्रांसफर्स, पर अभी भी लिपस्टिक है मेरे लिप्स पे, वो बिल्कुल निकला नहीं है, कंफर्टेबल भी है। नेक्स्ट लिपस्टिक इज इनसाइड कॉस्मेटिक्स मैट लिपस्टिक इन द शेड मेजेस्टिक मरून। द प्राइस ऑफ दिस इज 100 rupees। लेट्स वॉच दिस, इट ग्लाइड्स इजीली। दिस फॉर्मुला डेफिनेटली फील्स मोर मैट एज कम्पेयर टू द ब्लू हेवन लिपस्टिक। ये लिपस्टिक आई लुक के साथ कितना अच्छा लग रहा है। द फॉर्मुला फील्स सो कंफर्टेबल ऑन द लिप्स। आई हैव गिवन दिस कपल ऑफ सेकेंड्स, इट डज ट्रांसफर, बट अभी भी लिपस्टिक है मेरे लिप्स पे। ओनली फॉर 100 rupees दिस इज। लास्टली हैव अ क्रेयॉन लिपस्टिक, दिस इज बाय स्विस ब्यूटी, दिस इज द लिपस्टिक मैट लिपस्टिक इन द शेड मर्फी ब्राउन। ओके, दिस वाज अ वेरी स्मूथ एप्लीकेशन, दिस वाज द मोस्ट स्मूथेस्ट एप्लीकेशन अभी तक का। दिस लिपस्टिक हैज सम सॉर्ट ऑफ स्मेल टू इट, इट्स नॉट अ क्रेयॉन स्मेल बट सम टैल्कम स्मेल टू इट। कलर तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है इस आई लुक के साथ। And this also transfers. It's just that the smell, the talcum-like smell, I'm not liking this. And this is the final makeup look. I've switched to Inside Cosmetics lipstick in Majestic Brown. दूर से आप मेरा मेकअप देखोगे ना तो इतना समझ नहीं आएगा कि फाउंडेशन लाइट है मेरे स्किन पे, बट पास से कोई देखेगा तो उसको डेफिनेटली मेरे नेक और मेरे फेस पे काफी डिफरेंस समझ में आएगा। द फाउंडेशन इज लाइट फॉर मी। वी डेफिनेटली डिस्कवर सम ग्रेट प्रोडक्ट्स इन टुडेस वीडियो। कम दाम में भी आप अच्छा मेकअप पा सकते हो, ऐसा मेकअप लुक कुछ क्रिएट कर सकते हो। डेफिनेटली इट वॉज अ हिट एंड ट्राई, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स निकले, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं निकले। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल से, देन यू नो व्हाट टू डू, प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। आई लव टू रीड योर कमेंट्स। शेयर कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइस प्रीटी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन माय चैनल। बाय, रन, टेक केयर।